हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि सिंह आपके लिए एक नया और बहुत मजेदार सा गेम लेकर आए हैं। गेम बहुत आसान सा है। इसकी तैयारी के लिए क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हैं एक पेपर पे मैंने 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हैं। ये पेपर आपको भी रेडी करना है। उसके बाद चाहिए हमें काउंटर्स, 1 to 90 काउंटर्स होते हैं। सारे काउंटर लेंगे और उन्हें पलट के रख देंगे ताकि हमें नंबर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए कि कौन से नंबर का काउंटर कहाँ रखा हुआ है। गेम हो गया हमारा तैयार। अब इस गेम को कैसे खेलना है, 1 by 1 मेंबर आएंगे गेम खेलने के लिए। हमने रखा है 30 सेकंड का टाइम, यानी कि 30 सेकंड के समय में मेंबर को पूरा गेम खेलना है और ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी बनाना है। आपको अगर लग रहा है कि 30 सेकंड का समय कम है तो आप अपनी पार्टी में 1 मिनट का टाइम भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गेम को कैसे खेलना है। सबसे पहले मेरी चांस, टाइम स्टार्ट होते ही गेम खेलना शुरू करेंगे। बहुत आसान सा है। क्या करना है, जो हमने सारे काउंटर्स पलट के रखे हैं, एक एक काउंटर उठाना है और उनका प्लस करना है। जैसे सबसे पहले उठाया, आया मेरा 1, 4, 14। तो 1 और 4 को हम प्लस करेंगे, हो जाएगा हमारा 5। तो इसको हमने 5 नंबर पे रख दिया। फिर नेक्स्ट आया 2 और 7। तो 7 और 2 हो गया हमारा 9। फिर उठाते हैं नेक्स्ट, आ गया सिंगल नंबर 3। अब सिंगल नंबर 3 है तो इसका तो कोई टोटल नहीं करना, वो 3 पे चला जाएगा। फिर आया हमारा 7। तो 7 आया, इसको हमने 7 पे रख दिया। नेक्स्ट ये थोड़ा बड़ा नंबर आया है। अब देखिए 5 और 7 आया हमारा, तो क्या करना है, इनका भी हमें करना है टोटल 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल करके आया हमारा 12, यानी कि 57, यानी 5 और 7 का टोटल हो गया 12। अभी भी हम इसका टोटल करेंगे जब तक कि टोटल हमारा करके सिंगल नंबर नहीं आ जाता। तो 12 का हो गया हमारा 1 plus 2 यानी कि 3। तो 57 नंबर हमारा जाएगा 3 नंबर पे। अब फिर हम नेक्स्ट उठाएंगे, आ गया 3 और 1, 4 का टोटल हो गया 4। नेक्स्ट 5 और 1, 6। फिर आ गया 7 और 3, 7, 8, 9, 10। अब देखिए 73 का हो गया हमारा 7 plus 3 हो गया 10। अब 10 का टोटल क्या करेंगे, 1 plus 0 हो गया हमारा 1। तो ये 73 चला जाएगा हमारा 1 नंबर पे। फिर आ गया 4 और 2 यानी कि 6 नंबर पे, सिंगल नंबर 1, ये 1 नंबर पे। इसी तरीके से हमें गेम खेलते जाना है जब तक हमारा टाइम चल रहा होगा। जैसे टाइम हो जाएगा स्टॉप, हम भी हो जाएंगे स्टॉप। अब हम देखिए इसमें चेक करेंगे कि सभी का टोटल करके कि हमने सही नंबर पे रखा है, और अगर सही रखा है तो उनको हम काउंट करेंगे। पर आपको यही करना है, हम जो भी नंबर आएंगे उनका टोटल करेंगे। अगर सिंगल आ जाता है उसका टोटल नंबर, जैसे 3 और 1, 4 आ गया, सिंगल नंबर 4 हो गया, उसको रख देंगे। जब तक सिंगल नंबर नहीं आएगा टोटल में, तब तक हम उस नंबर का टोटल करते जाएंगे। तो अभी मेरा स्कोर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो मेरा स्कोर हो गया 10। अब इसी तरीके से दूसरे मेंबर को बुलाना है, गेम कराना है। गेम बहुत आसान सा है और बहुत मजा भी आता है। एक बार अपनी पार्टी में रख के देखिए, सब बहुत एंजॉय करेंगे। पर ये आसान सा और मजेदार सा गेम आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।